तो फाइनली दोस्तों मैंने जो है अपने Zenfone Max Pro M2 में जो है एंड्रॉयड 5 बीटा को ऑफिशियली फ्लैश कर लिया है। और यहाँ पे आज मैं आपको इस वीडियो में इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस और साथ ही यहाँ पे इसका फर्स्ट लुक बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो गाइस ये देख सकते हो आप यहाँ पे एंड्रॉयड 5 ऑफिशियली जो है Zenfone Max Pro M2 में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और मैंने भी जो है इसमें इनरोल किया था जहाँ पर गूगल का फॉर्म था Zenfone Max Pro M2 के बीटा प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन वहाँ पे अभी तक मुझे जो है कोई कंफर्मेशन मेल या फिर OTA नहीं आया था। उसके बाद मैंने जो है iPhone अनबॉक्स का जो है एक वीडियो देखा जहाँ पे मुझे एक zip फाइल का लिंक मिला, तो भाई को थैंक्स कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो है वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इस बीटा रोम का लिंक वहाँ पर दिया था, तो ये वीडियो का क्रेडिट जो है उन्हीं को जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से आपको यहाँ पर एंड्रॉयड 5 का UI देखने को मिलता है, साथ ही यहाँ पे आपको प्योर स्टॉक एंड्रॉयड का मज़ा आने वाला है इसमें। और आपको मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये जो है बीटा रोम है, इसलिए आप जो है जल्दी ना करें इस रोम को आपके फ़ोन में फ्लैश करने के लिए। तो ऑब्वियसली दोस्तों ये एक बीटा रोम है, इसलिए यहाँ पे आपको जो है बग्स देखने को मिल सकते हैं और हो सकता है आपको ये परेशान भी करे। तो कुछ फीचर आपको यहाँ पर नए मिल जाएंगे और कुछ यहाँ से जो है गायब है। तो इसलिए जब तक कि आप जो है किसी का वीडियो ना देख ले कि यहाँ पे ये स्टेबल रोम है, तब तक के आप जो इसको फ्लैश मत करना। तो चलिए यहाँ पे कुछ चेंजेस है इसमें और कुछ यहाँ पे गायब है। जैसे मैंने आपको कहा यहाँ पे इसके कैमरे में पोर्ट्रेट मोड यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला है अभी हाल फिलहाल में। तो देखते हैं इस रोम को कैसे फ्लैश किया जाए और यहाँ पर इसमें कुछ और भी फीचर आपको मैं आगे बताऊँगा जब मैं इस रोम को अपने फ़ोन में कुछ दिनों के लिए यूज़ करूँगा। तो वहाँ पे आपको मैं फुल डिटेल में एक वीडियो भी बना के दूंगा जहाँ पे आप देख पाएंगे इसमें आपको जो है क्या नया मिल रहा है और क्या यहाँ से जो है मिस है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस कैसा है। और साथ ही यहाँ पे जो है इस zip फाइल का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उसको जाके डाउनलोड करके आप ट्राई कर सकते हो अगर आप जो है नए रोम को ट्राई करना चाहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप एंड्रॉयड 5 बीटा रोम को कैसे फ्लैश करना है Zenfone Max Pro M2 में। और मैंने जो इस पर इससे पहले भी वीडियो बनाई है, अगर आपको OTA अपडेट नहीं मिलता है तो आप जो है मैनुअली अपडेट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है फुल zip फाइल को डाउनलोड कर लिया है जहाँ पे मैंने इसको अपने फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज में रखा है। और इसको आपको जो है किसी भी फोल्डर में नहीं रखना है बल्कि रूट फोल्डर का मतलब ये होता है कि आपको बिना फोल्डर के आपके इंटरनल स्टोरेज या फिर जो SD कार्ड में उसको रख लेना है। तो ये रही वो बीटा फाइल Zenfone Max Pro M2 की पाए OS। और यहाँ पे अब हम चलते हैं सिस्टम को देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हमारा सिस्टम यहाँ पे इसको डिटेक्ट कर लेता है तो हमें यहाँ पे हमारे फ़ोन को अपडेट कर लेना है। तो यहाँ पर आप जो है एक या दो बार इसको चेक कर ले, अगर यहाँ पे ये नहीं आता है तो फिर हमें जो है FOTA सर्विसेज की जो है डेटा या जो उसका कैश होता है उसको जो है क्लियर कर लेना है। फिर भी अगर वहाँ पे वो डिडक्ट नहीं करता है तो हमें हमारा फ़ोन एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। और रीस्टार्ट करने के बाद हमारे फ़ोन का इंटरनेट ऑन होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके हमारी जो सिस्टम फाइल है यहाँ पर जो है डिडक्ट हो पाएंगी। तो चलिए चलते हैं अभी ऐप एंड नोटिफिकेशन में और यहाँ पर जाते हैं सिस्टम फाइल में जहाँ पे हमें जो है FOTA सर्विसेज को जो डेटा और कैश है उसको क्लियर कर लेना है। तो ये रहा हमारा FOTA सर्विसेज, देख लेते हैं इसको ये कहाँ है। तो ये रहा दोस्तों FOTA सर्विसेज और यहाँ पे हमें जो है स्टोरेज में जाना है और इसका डेटा डिलीट कर लेना है जहाँ पे। और उसके बाद फिर हमें जो है एक बार सिस्टम को चेक कर लेना है कि हमारी जो zip फाइल है ये यहाँ पे जो है डिटेक्ट होती है या नहीं। तो चलिए एक मर्तबा और देख लेते हैं सिस्टम अपडेट को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिस्टम अभी चेक हो रहा है, फिर भी यहाँ पे हमारी जो zip फाइल है यहाँ पे डिटेक्ट नहीं हो रही है। अब हम जो है हमारे फ़ोन को जो है एक बार रीस्टार्ट कर लेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमारे फ़ोन में क्या ये फाइल यहाँ पे डिटेक्ट होती है या नहीं, या फिर हमें जो है फिर रिकवरी मोड के ज़रिए इसको जो है फ्लैश करना होगा। तो चलिए मैं अपने फ़ोन को यहाँ पे जो है रीस्टार्ट कर लेता हूँ और उसके बाद देखता हूँ कि हमारी zip फाइल यहाँ पे आती है या नहीं। तो फ़ोन हमारा यहाँ पे जो है
रिस्टार्ट हो चुका है और आप यहाँ पे देख सकते हो सिस्टम अपडेट फाइल यहाँ पे जो है डिडक्ट हो चुकी है और हमें जस्ट यहाँ पे जो है इसको टैप करके अपडेट कर लेना है। तो अभी हाल फिलहाल हम जाते हैं अबाउट में और आप देख सकते हो यहाँ पे एंड्रॉयड ओरियो यहाँ पे अवेलेबल है और साथ ही यहाँ पे 1 जनवरी का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल रहा है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो जो फाइल हमने हमारे फ़ोन में रखी थी वो यहाँ पे जो है अब अपडेट करने के लिए तैयार है और हमारे फ़ोन की जो बैटरी है यहाँ पे 20% से ज़्यादा होना चाहिए तभी जाके हम जो इसको अपडेट कर पाएंगे। तो चलिए मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पे सिस्टम फाइल को अपडेट और उसके बाद आपको मिलता हूँ इसी वीडियो में। तो यहाँ पे देख सकते हो आप यहाँ पे आपको कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलती है कि आपकी फ़ोन की बैटरी जो है 20% से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे हो रहा है हमारा एंड्रॉयड पाई अपडेट ज़ेनफोन मैक्स प्रो M2 में और अब चलते हैं इस वीडियो की ओर और मिलते हैं इसमें एंड्रॉयड पाई के साथ। तो सक्सेसफुली यहाँ पे मेरे फ़ोन में जो है एंड्रॉयड बीटा रोम फ्लैश हो चुकी है और आप यहाँ पे देख सकते हो कि सिस्टम यहाँ पे अब नया आ चुका है। तो अब चलिए चलते हैं इस नए UI को देखने के लिए जो हमें ज़ेनफोन मैक्स प्रो M2 में देखने को मिल रही है। तो गाइज ये जो है ऑफिशियली एंड्रॉयड पाई रोम है ज़ेनफोन मैक्स प्रो M2 के लिए और गाइज अगर आप जो है इसको फ्लैश करना चाहोगे तो थोड़ा सोच समझ कर लेना क्योंकि यहाँ पे कुछ फीचर नहीं है और कुछ यहाँ पे बग्स भी अवेलेबल है। तो गाइज जब तक कि ये स्टेबल ना हो जाए तब तक कि आप जो इसको ट्राई मत करना। अगर आप जो है डिफरेंट टाइप की रोम को फ्लैश करते हैं तो मोस्ट वेलकम आप जो है कभी भी इसको जो है ट्राई कर सकते हो। तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे जो है UI हमारी यहाँ पे चेंज हो चुकी है और अब जो है ऑफिशियली हम यहाँ पे एंड्रॉयड 9 पे आ चुके हैं ज़ेनफोन मैक्स प्रो M2 में। तो 1 जनवरी का सिक्योरिटी पैच यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अभी जो है ये फर्स्ट बीटा है और अभी और भी बहुत से अपडेट्स आना बाकी है इस फ़ोन के लिए और जब ये स्टेबल हो जाएगा तो ये सभी के लिए पब्लिक रिलीज़ कर दिया जाएगा ज़ेनफोन की तरफ से। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट्स कर देना और अब तक आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक जो है पहुँचती रहे। और साथ ही दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि इस रोम पे मैं एक फुल डिटेल में वीडियो भी बनाने वाला हूँ कि इस रोम में आपको जो है क्या मिल रहा है और क्या नहीं। तब तक के लिए जय हिंद जय महाराष्ट्र।